YouTube में एक नया फीचर बेड टाइम रिमाइंडर आया है जो लॉकडाउन के दौरान फायदेमंद साबित हो सकता है। आमतौर पर वीडियो देखने के चक्कर में काफ़ी देर तक लोग जगते रहते हैं। कंपनी ने किया है कि ये YouTube के वेलनेस और स्क्रीन टाइम टूल्स के तहत लाया गया है। ये फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे न्यू अपडेट पहले आने के लिए। YouTube के इस नए फीचर को यूज करके आप ये तय कर सकते हैं कि कब तक वीडियोस देखते हैं और कब सो जाना है। सेटिंग में जाकर आप ये सेट कर सकते हैं कि कब वीडियो चलने बंद हो जाए, या आप स्टार्ट और एंड टाइम सेट कर सकेंगे। टाइम ख़त्म होने से पहले आपको एक रिमाइंडर दिया जाएगा जिससे आप अलार्म की तरह यूज भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो डिसमिस भी कर सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि अपडेट धीरे धीरे हर यूजर के लिए जारी कर दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि गूगल ने काफ़ी पहले डिजिटल वेलबींग लॉन्च किया था। पहले से कंपनी पिक्सल फोन में ही दिया जाता था डिजिटल वेबलिंक, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। गूगल डिजिटल वेबलिंक फीचर के तहत यूजर को ये बताया जाता है कि उनका व्यवहार कैसा है, यानी किस ऐप में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, कौन सा ऐप है जो सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, और दिन भर में कितनी बार आप फ़ोन यूज कर रहे हैं। इस तरह आईफोन यूजर के पास भी काफ़ी पहले से स्क्रीन टाइम का फीचर है। इस फीचर में ऐप्स को यूज करने का पैटर्न देखा जा सकता है और वीकली रिपोर्ट बनती है और ग्राफ के जरिए समझाया जाता है कि आप किस ऐप को कितने देर तक यूज कर रहे हैं। यहाँ आपको ऐप रेस्ट्रिकेट करने का भी ऑप्शन मिलता है, यानी अगर आप चाहे तो ऐप के लिए टाइमर लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको दिन भर में सिर्फ 1 घंटे ही ट्विटर चलाना है तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद ट्विटर खुद अपन नहीं होगा, हालांकि सेटिंग में जाकर फिर से इसे चालू भी किया जा सकता है। अगर वीडियो टिप पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।